क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे ना आप। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे सब लोग। जनाब ये क्वेश्चन है मेरे पास, जुल्फिकार लिमिटेड, ये क्वेश्चन है बेटा, और ये इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले कहते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो दोनों आपने मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ अप्लाई करनी है, फिर बाद में इनके प्रॉफिट को हमने रिकनसाइल भी करना है, तो रिकनसाइल तो हो जाएगा। हाँ जी, सवाल को मैं थोड़ा रीड करने लगा जनाब, क्या कहा जा रहा है सवाल के अंदर। जुल्फिकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स पर मंथ। एक महीने में कितने यूनिट्स बनाते हैं ये? 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं। द कंपनी बजट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2004। नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई, कितनी कैपेसिटी ना नॉर्मली 27,000 यूनिट्स बनते हैं नॉर्मली। यानी ये क्या है कि ओयर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 27,000 यूनिट्स आपको यूज करने हैं नॉर्मल। ऊपर सवाल के स्टार्ट में बताया कि टोटल प्रोडक्शन जो पर मंथ होती है वो 30,000 होती है, लेकिन नॉर्मली कितनी होती है 27,000। तो ओवरहेड्स को जब हमने अब्सॉर्ब करवाना है उसको नॉर्मल कैपेसिटी भी हमेशा अब्सॉर्ब करवाना होता है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई? दैट इज 110। प्रोडक्शन रुपीज आपको 110 दी हुई। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई 25 की। देन हमें फिक्स ओवरहेड्स की कॉस्ट दी हुई, प्रोडक्शन के फिक्स ओवरहेड्स कितने के हैं? 756,000 के हैं। और हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन के कितने हैं? वो 504,000 के हमारे पास ये सारी कॉस्ट दी हुई। The actual operating data for the January 2004 is as follows. आपको दिया हुआ production में हमने January में कितनी की production? 24,000 की, और sales कितनी? 22,000 की। Opening stock कितना था? 2,000 का। हाँ जी, तो अब opening stock दिया हुआ production के 24,000 units हैं, sales के आपके 22,000 है, opening stock 2,000 है ना। During the month of January 2004, the variable factory overheads exceeded the बजट बाय रुपीज 120,000। ये आपको बता दिया गया है किस महीने में क्या हुआ, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगी है, यानी वेरिएबल ओवरहेड यहां पे क्या किए, एक्सीड कर गए। तो वेरिएबल ओवरहेड की कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा है? 120,000। तो बल ये 120,000 को हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट में एड कर लेंगे। फाइन, अच्छा पहले सबसे पहले ये तो बताया मुझे जरा कि प्रोडक्शन हुई है 24,000 की, ओपनिंग स्टॉक 2,000 का था, सेल हुई 22,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? हाँ जी हरी, अब सब लोग क्विकली, कितना है क्लोजिंग स्टॉक जनाब? तो ठीक हो गया ये, मलिक अबू बकर ने मुझे सही आंसर किया है कि यार प्रोडक्शन जब 2000 का तो स्टॉक पहले पड़ा होता, प्रोडक्शन 24 की और सेल 22,000 की, तो 2000 तो और बच गया, तो 2000 पहले पड़ा होता, तो 2 + 2 = 4, तो ये 4 आ गया मेरे पास यहाँ पे, कि 4,000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। डन। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें मार्जिन कॉस्टिंग और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए रिपोर्ट बनानी है। तो पहले चले मार्जिन कॉस्टिंग को फॉलो कर लेते हैं। मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू सबसे पहले मेंशन करते हैं सेल्स, कितनी सेल हुई हमारे पास? हाँ जी 22,000 की। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई हमें यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ मेंशन किया हुआ सवाल में सेल्स एट रुपीज 250 बताया हुआ है, 22,250 मल्टीप्लाई कर लें कितनी वैल्यू आती, उस वैल्यू के हम चला देते हैं। हाँ जी, तो क्या करते हैं लाइक चले आईपी बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, आईपी बोर्ड, दिस इज आईपी बोर्ड है, ये आईपी बोर्ड है, नेक्स्ट चैप्टर में कवर ले इस पे आ जाता हूं यहां। माइल कॉस्टिंग के तो सबसे पहले सेल्स, ये सेल्स के यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 22,000 के यूनिट्स है बेटा, पर सेलिंग प्राइस 250 है, मल्टीप्लाई करें जल्दी जरा, 22,000 इंटू 250 बेटा, तो क्या वैल्यू आती मेरे पास क्विकली? हाँ जी मल्टीप्लाई किया, हरी हरी 5,500,000। फाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली 55,000
100,000 आ गया डन। अब यहां से हमने क्या माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो यहां भी कॉस्ट ऑफ सेल में खाली हम क्या लेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें सवाल में दी हुई थी प्रोडक्शन की यूनिट भी दी हुई थी वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई थी तो वो ले लेंगे यहां पे। अच्छा जी सबसे पहले हम यहां पर लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक कितना है फिर प्रोडक्शन कितना है फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है हम इस तरह से कुछ इसको वैल्यू करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास हाँ जी अगर कॉस्ट ऑफ सेल हूं बेटा मैं यहां पर लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सवाल में बताया अरे मूव ऑन द क्वेश्चन क्वेश्चन पे मूव करते हैं ओपनिंग स्टॉक में बताया हुआ 2000 यूनिट्स का तो 2000 यूनिट्स है और मार्जिनल कॉस्ट में किसपे वैल्यू करते हैं हम इसको वेरिएबल कॉस्ट पे हमेशा वैल्यू करते हैं तो हम इसको वेरिएबल कॉस्ट पे हमेशा वैल्यू करते हैं तो ये हमारे पास 110 आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट पे हम इसको वैल्यू करते हैं ठीक ठाक लेकिन करें मल्टीप्लाई इसको जल्दी तो यानी हम यहां पर लेंगे 2000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितनी हमारे पास 110 ले मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या वैल्यू आती है जल्दी जरा जल्दी सही है तो क्या वैल्यू आएगी 220,000 डन यही आएगा बेटा। अब यहां पे ले लेते हैं प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की आपने प्रोडक्शन की ना प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने थे आई थिंक 2000 ज्यादा था 24,000 सेल 22,000 है प्रोडक्शन 24,000 की है देख सकते हैं आप सवाल में। अब इसको भी 110 से मल्टीप्लाई कर लें करें मल्टीप्लाई जल्दी हरी अब तो प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट आई एक बजे सवाल करेंगे सर ये 115 वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी क्यों बेटा क्यों 115 किधर आ गया वो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इसको भी यहां पे इंक्लूड करूंगा बाद में वो ऐसे भी हम कर सकते हैं ठीक है उसको पाई निकाल के भी आप चला दें वो भी ठीक है ये मैं अलग से भी ऐड कर दूंगा मुझे उसको निकालने की जरूरत ही नहीं कितनी कॉस्ट आई वेरिएबल कॉस्ट 2640,000 आ जाएगा डी डन हमारे पास ये चेक कर ले बेटा यही वैल्यू आ रही है ठीक है 2640,000 आ गया एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दी हुई थी जितनी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट मैं सीधे सीधे इसमें ऐड कर दूंगा मुझे इसमें टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं तो वो 120 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये टोटल कुल मिला के मेरे पास ये क्या है ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई कि 110 वैसे दी हुई थी या मैं यूं भी कह सकता था कि 120,000 को 24 से डिवाइड करता और जो वैल्यू आती है उसको 110 में ऐड कर लेता वो भी चल जाता था उसमें कोई मसला नहीं था यानी वो 5 आ जाता था मेरे पास यानी ऐसे 120,000 डिवाइड बाय 24,000 तो 5 निकला था वो 5 भी यहां पे 110 में ऐड करता 115 हो जाता वो भी हो सकता था लेकिन बार ओपनिंग स्टॉक 110 पे ही होना क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहां से है पिछले साल की क्लोजिंग से पिछले साल एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट जस्ट इस जनवरी में लगी है इस मंथ में लगी है तो लिहाजा वो 120 जस्ट इस मंथ में आएगा ठीक होगी बात तो बहरहाल हम निकाल सकते हैं वो किस पे आएगा या नहीं मैं यहाँ पे कॉस्ट फाइंड कर सकता हूँ ऐड करेंगे सबको बेशक अब ऐड कर लें कॉस्ट फाइव में क्या निकलती है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना ना क्लोजिंग स्टॉक इसी मंथ का होगा ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जरा एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेते हैं यहाँ भी मैं करवाता हूँ क्या करते हैं यहाँ पे लाइक इन सब इनको ऐड करें 2640,000 पर 120 को ऐड करें 2760,000 आई थिंक आ जाएगा। अच्छा वैसे चेक कर लें कि 2760,000 ये कॉस्ट है कितने यूनिट्स की है 24,000 की तो पर यूनिट क्या निकलता है करीब आई थिंक 115 निकलेगा पांच वही ज्यादा आ गया ना उसका तो क्लोजिंग स्टॉक हमें इस 115 पे वैल्यू करना है ठीक होगी बात तो क्लोजिंग स्टॉक का हम इस पे वैल्यू करवाएंगे 115 पे ही वैल्यू करवाएंगे फाइन ले जी अब क्लोजिंग स्टॉक की बारी क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक यहां पे बेटा 4000 का था ठीक है डन तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लूंगा क्लोजिंग स्टॉक बस यही इस सवाल में ट्रिक था इसको 115 पे करना ये बात याद रहे कि ओपनिंग स्टॉक को हम पिछले के हिसाब से चल लेते हैं कि पिछले की वेरिएबल कॉस्ट पिछले मंथ की वेरिएबल कॉस्ट क्या थी उस पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू या तो गिवन होगी या फिर जो दी होगी वही चला देंगे इस जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस मंथ का होता है तो इस मंथ की जो भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकलती है आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को उस पर वैल्यू करेंगे यानी इस सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू हो रहा है 110 वेरिएबल कॉस्ट में चल रही है जो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू हो रहा है 115 वेरिएबल कॉस्ट में चल रही है तो ये बात याद है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो इस मंथ के अकॉर्डिंगली होगी और जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो पिछले मंथ प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग चल रही होगी
तो यहां पे इसको 115 पे हम वैल्यू करेंगे, तो 115 मल्टीप्लाई 4 किया, क्या वैल्यू आ रही मेरे पास, अरे ये 460,000 डन हो गया जनाब। लें जी आप इसको जरा चला दें, ओपनिंग लें प्लस प्रोडक्शन लें, ये क्लोजिंग को माइनस करें, क्या आती वैल्यू, अरे ये इसको माइनस करें, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग कर लें, क्या आती वैल्यू 2520,000, ठीक होगा ये डाटा। अब यहां पे क्या हमने हमने यहां पे बेटा क्या करना होता है, हमने यहां पे मार्जिन कॉस्टिंग चल रही है, तो हमने सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो सेल में सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास और कौन सी थी, हमारे पास इस सवाल में और भी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो वो और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी थी, तो वो और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास दी हुई थी यहां पे कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की दी थी, ये सेलिंग एंड 25 जितने सेल होंगे उस पे सेल पे भी आपको सेलिंग एक्सपेंस है आपका इनकर हो रहा है, वो 25 का इनकर हो रहा है, तो ठीक है मूव करते हैं, 25 का वो इनकर हो रहा है तो उसको भी मैं यहां से माइनस करवाऊंगा, यानी सेल में से ये तो मैंने माइनस करना ही करना है, प्लस मैं एक और चीज भी माइनस करूंगा सेलिंग एंड एडमिन की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है सारी, तो वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा, कितनी कॉस्ट है 25 पर यूनिट है, ये सेल्स के हिसाब से सेल की है ना, तो कितने यूनिट सेल हो रहे हैं 22,000 सेल हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें 22,000 को 25 से मल्टीप्लाई करें, हरी 550 डन, इस 550 को भी यहां से माइनस कर दें, 550 को भी यहां से माइनस कर दें बेटा सेल में से, इन तीन दोनों वैल्यूज को 550,000 को और 2520,000 को दोनों को सेल में से माइनस कर दें, तो सेल में से हमने दोनों को माइनस कर देंगे, सेल में से दोनों को माइनस करें कितने कंट्रीब्यूशन आते हैं ये बताएं मुझे आपके पास, अब कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही, दिस इज जी क्या कंट्रीब्यूशन आ रही, बच्चा कह रहे थे स्टडी टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल है उसमें से एंड दिस एड होता है, समझ नहीं बेटा सवाल क्या है, स्टडी टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल है उसमें एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एड होता है, यार देखे बेटा हमने सेल में से माइनस करना है इसको, तो आप यू भी कर सकते हैं यानी कॉस्ट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर इसने ऐड होना है, दोनों ने मिलकर सेल में से माइनस होना है, तो आप बेशक यू कर लें कि सेल में से आप इसको कंबाइन से अब यानी कॉस्ट ऑफ सेल में इसको ऐड कर लें और फिर सेल में से माइनस कर लें, या सेल में से दोनों को अलग अलग माइनस कर लें, इसमें तो कोई मसला नहीं बेटा, दिस इज सिंपल थिंग, ठीक हो गया, माइनस किया क्या वैल्यू आएगी मेरे पास 2430,000 एग्जैक्टली, लेकिन यहां से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर सिंपल, सवाल में फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी दी हुई थी, एक प्रोडक्शन की दी हुई थी, एक एडमिन वगैरह की दी हुई थी, तो प्रोडक्शन की और एडमिन की कितनी कितनी दी हुई थी देख लेते हैं यहां पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 756,000 दी हुई है और सेलिंग एडमिन की 504,000, तो ये सिंपल आपने यहां से क्या करना है उसको माइनस कर देना 756,000 और 504,000, 756,000 एक ये माइनस कर दें और एक 504, तो इसके अलावा भी जितनी फिक्स कॉस्ट सवाल नजर आ रही हो वो सारी की सारी आप ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास दोनों फिक्स कॉस्ट हमने यहां से माइनस कर देना है, हमने यहां से इसको माइनस कर देना है, ये क्या एक प्रोडक्शन की एक सेलिंग एडमिन की है, इसको मैं दे देता हूँ प्रोडक्शन है ये नहीं, और ये सेलिंग एंड एडमिन है बेटा, नहीं ये सेल में से इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, इसमें कोई मसला बताया मेरा, अब यहां पे क्लियर करें फिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे जा रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डन, नई बात क्या सीखी आपने कि ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू किस पे होगा, जो प्रीवियस के अकॉर्डिंग जो पिछले साल जो पिछले मंथ में हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किस पे होगा करंट ईयर पे, करंट ईयर में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हम इस पे इसको वैल्यू करेंगे, करंट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चल रहे, डन, यहां तक कोई इश्यू नहीं बेटा, डन चलो आगे, शुड बी कंटिन्यू, डन जी, लेकिन इसी सवाल को अब हमने किस किस के थ्रू करना है, अब इसी सवाल को हमने अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व, और फिर बाद में आज हमने रिकनसाइल जरूर करना है यार, रिकनसाइल करवाना है आपको, अच्छा जी
यार सब कुछ ही आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ एक चीज का फर्क है यार, जल्दी जरा हम स्पीड आपने थोड़ी लेनी है यहाँ पे, हम स्पीड पे इसको करते जाएंगे जरा कि आसानी से हम इसको लेके चलते जाए, ठीक है। अच्छा जी सर, ये लास्ट प्रोडक्शन और सेलिंग में क्यों माइनस किए? बेटा ये हमारे पास, हम मार्जिनल कॉस्टिंग जब अप्लाई करते हैं तो सेल में से सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, आता है कंट्रीब्यूशन हमारे पास, फिर कंट्रीब्यूशन में टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो आप एक प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, एक सेलिंग एंड एडमिन की फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, इसके अलावा भी अगर कोई फिक्स कॉस्ट दी होती लाइक रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंस, आईटी, किसी भी डिपार्टमेंट की जितनी भी फिक्स कॉस्ट जितनी भी दी होती सारी की सारी वो फिक्स कॉस्ट हमें यहां से माइनस करना था। तो सेल में से सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमने ओपनिंग स्टॉक को वेरिएबल पर ट्रीट किया, प्रोडक्शन को वेरिएबल पर ट्रीट किया, क्लोजिंग स्टॉक को वेरिएबल पर ट्रीट किया, तो सेल में से खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई है, एडमिन सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस की, तो सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर हमने यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करने की, हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा मैं एक नई शीट ले लेता हूँ यार, मैं ना क्या करता हूँ एक नई शीट ले लेता हूँ, ये आ गई। हाँ जी लेकिन अब मार्जिन, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमने फिक्स ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाना है, तो कैसे एब्जॉर्ब करवाना है यार, इसके ऊपर सवाल के ऊपर पैन नहीं चल रहा, तो मैं ही आपको फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी बढ़े 756,000, ये दिया हुआ मेरे पास, दिस इज 756,000 है, 756,000 की मेरे पास क्या ये फिक्स कॉस्ट यहां पे है, फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट के यूनिट्स कितने हमारे पास, क्या ही आ रही है, क्या लगे, वेट क्या है, चलते जाना। अच्छा जी तो 756,000 की हमारे पास फिक्स कॉस्ट है बेटा, और नॉर्मली प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं 27,000, तो यार ओवरहेड्स कैसे अब्सॉर्ब होंगे, तो पहले ओवरहेड्स को अपने अब्सॉर्ब करने के बारे में बात करनी है, सबसे पहले हमने ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कैसे करवाना है, तो 756,000 और 27,000, सो ओएआर कैसे आएगा मेरे पास, ओएआर OAR इज इक्वल टू क्या होगा, 756,000 ये ओवरहेड्स है हमारे पास है, और नॉर्मल एक्टिव लेवल कितने 27,000, तो ये ओवरहेड 756,000 लिए और एक्टिव लेवल कितने 27,000, सो डिवाइड किया तो कितना OAR निकला मेरे पास, आई थिंक 28, यस ये 28 की मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, दैट इज 110 में वो 28 हमने एड कर लिया, तो मेरे पास कितनी आ रही 138 आ जाएगा, 138 इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास, यानी वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों को हमने अपने वैल्यू करना होगा, अपने ऑपनिंग स्टॉक को और प्रोडक्शन को, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट भी है जिसमें हमने पहले किया था, तो लेकिन आप सवाल को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सेल जल्दी क्विकली जरा, सबसे पहले सेल, सेल के यूनिट कितने हमारे 22,000 की सेल है, सो 22,000 की सेल हुई है 250 पे रेट पे, जल्दी से मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी, वही वैल्यू पहले आई थी, कितनी वैल्यू आई थी मेरे पास, जल्दी जरा मल्टीप्लाई करें, कितनी वैल्यू है बेटा, सर ये जो फिक्स ओवरहेड्स हैं ये नॉर्मल कैपेसिटी के बेस के ऊपर नहीं अब्सॉर्ब होंगे, हाँ बेटा ये नॉर्मल हमेशा नॉर्मल की बेस पे अब्सॉर्ब होते हैं, नॉर्मल हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, नॉर्मल यानी एक्सपेक्टेड यानी बजटेड, सर हाँ जी सर ये जो है फिक्स जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी वो 30,000 यूनिट्स है, नॉर्मल कैपेसिटी 30,000 बेटा यूनिट्स नहीं है, 30,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, हमने कहा हम हर महीने में 30,000 बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूनिट्स बनते हैं नॉर्मल कैपेसिटी से मेंशन किया मैं सवाल में, दैट इज 27,000, रीड द क्वेश्चन अगेन, इट्स अ मेंशन नॉर्मल कैपेसिटी के सामने लिखा हुआ है 27,000, ओके ठीक है सर थैंक यू। अभी आपको ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें ये वर्डिंग की डिस्कशन होगी हमारी कि नॉर्मल का मतलब क्या होता, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर बेटा पढ़ाऊंगा उसमें मैं ये आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये नॉर्मल का मतलब क्या है, फाइन
ये अगर कुछ बच्चों को इसमें अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, बर्स्टेड और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड यूनिट्स क्या होते हैं और बजटेड यूनिट्स क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, एक एक चीज का आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार इसका मतलब क्या है। यानी हमेशा बात याद रखें कि दुनिया में जितने भी बजट बनते हैं ना, जितने भी स्टैंडर्ड बनते हैं, वो नॉर्मल के अकॉर्डिंगली बनते हैं कि नॉर्मली क्या है। देखे ना, हमने मैंने कहा यार हमने जनाब हम मैंने मार्क्स जो लेने हैं वो पेपर में 99 मार्क्स लेने हैं। अब नॉर्मली जो बच्चा पाकिस्तान के अंदर डिस्टिंक्शन लेता है उसके मार्क्स जो होते हैं 85, 86, ये 89 आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैंने 99 लेने हैं, तो ये नॉर्मल कितने, नॉर्मली कितने आते हैं, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक हो गया, तो नॉर्मल यूनिट्स यहाँ 27,000 आ गए मेरे पास, फाइन। लेकिन मूव कर रहे हैं सवाल पे, लेकिन हमने वो नॉर्मल यूनिट्स 28 बोली है, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने इस रेट पे अब्सॉर्ब कर 28 प्लस 110 भी हमने वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 138 आ गया। ठीक हो गया, सेल। अब जल्दी से जरा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स बताए हैं यार, 2000 यूनिट्स बताए हैं, किस पे वैल्यू करेंगे, 138 पे, डन हो गया। प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं यार, 24,000 की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस पे वैल्यू करेंगे, 138 पे। हाँ जी, 138 पे हमें इसको वैल्यू करना है। जल्दी से जरा लेके वैल्यू मुझे बताएं जरा, 138 से। हाँ जी, ओपनिंग को मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू निकली मेरे पास, 138 से मल्टीप्लाई किया, जल्दी बेटा, 276,000। ठीक है, ये 276,000 आ गया। अब दूसरा मल्टीप्लाई किया मैंने 138 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन की यूनिट्स के साथ, 24 के साथ, ठीक है, 3312,000 आ गए, डन। ये प्रोडक्शन में भी आ गया। अब एक्स्ट्रा वेरिएबल भी थी यहां पे, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने थी यार, एक्स्ट्रा वेरिएबल थी मेरे पास 120,000 की, वो इसमें ऐड कर देना था, जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल थी वो इसमें ऐड कर दें, क्या हमारे पास कॉस्ट बन गई। हाँ जी, 138 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करने, अब 3312,000 और 120 इनको ऐड कर दिए, इनको ऐड करें दोनों को, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन में ऐड होना है। अच्छा, ये जो कॉस्ट है, मैं थोड़ी सी रफ वर्किंग यहीं पे कर लेता हूँ, ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, यानी क्लोजिंग स्टॉक में किस पे वैल्यू करूंगा, तो मैं कहूंगा 3432,000 ये कॉस्ट है कितने यूनिट्स की, प्रोडक्शन हुई है 24,000 की, तो डिवाइड करें क्या रेट आता है, 3432,000 डिवाइड बाई 24,000 क्या वैल्यू आती है। फिक्स प्लस वेरिएबल को हम क्लोजिंग स्टॉक को हमें वैल्यू किस पे करना है, ये उसकी ऊपर बात हो रही ना कि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कैसे वैल्यू करवाना है। 5 यूनिट कॉस्ट क्या निकल रही है, 143। ठीक हो गया, 143 निकलना था, 5 एक्स्ट्रा लग रहा था यहाँ पे, 138 चल रहा था ऑलरेडी। ठीक हो गया, तो 143, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं किस पे वैल्यू करूंगा, 143। लें जी, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना, 4,000 है, उसको मल्टीप्लाई कर दे 143 के साथ बेटा, हरी अब क्विकली इसको मल्टीप्लाई करें क्या आता है, तो 572,000। ठीक है, डन, 572,000 ये वैल्यू मेरे पास आ गई, 572,000 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या करना है यहाँ पे, अब आप पे डिपेंड करता है, अंडर ओवर आपने इसके अंदर अब्सॉर्ब करवाना है या बाद में करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और बाद में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, इट्स अप टू यू कि आपने कैसे इसको ट्रीट करना है। चले भारत चेक कर लेते हैं अंडर ओवर के बारे में, मैं थोड़ी वर्किंग यहीं पे कर देता हूं। क्या पढ़ा हुआ हमने अंडर ओवर के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है, थोड़ा मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। ओआर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, ऐसा ही है हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवर आते हैं, यहां से माइनस करते हैं हम एक्चुअल ओवरहेड्स, तो अगर पॉजिटिव आए तो ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव आए तो अंडर एब्जॉर्ब। ओआर कितना अभी हमने निकाला था, हाँ जी ओआर कितना हमने अभी चलाया, यहाँ पे कितना चलाया, 28 आई थिंक चलाया हमने, 28 का हमारे पास ओआर था, फाइन। देखिए 28 मैंने यहां लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, हाँ जी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है हमारे पास, ये जरा क्लियर कर लें,
एक्चुअल देख रहे हैं, हमने कहा कि नॉर्मली कैपेसिटी कितनी है 27,000, हमने प्रोडक्शन कितनी की 24,000 की, एक्चुअल प्रोडक्शन 24 के हिसाब से हुई। सवाल पे वापस चला जाता हूं, देख रहे हैं ये आपको ये सवाल में लिखा हुआ है एक्चुअल ऑपरेटिंग डेटा फॉर द जनवरी, लिखा है मतलब एक्चुअल डेटा है। प्रोडक्शन सबसे पहले लिखा हुआ 24,000, यानी आप देखिए यहां पे एक्चुअल डेटा में एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, प्रोडक्शन कितनी 24,000 की, नॉर्मली कितना था 27,000, तो ठीक हो गया। इसका मतलब है एक्चुअली जो हमने चलाया इसको, ये हमारे पास एक्चुअली जो हुआ है वो 24,000 यूनिट्स को हमने 28 पे चला के मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही होगी, जबकि हमने हमारे यहाँ ये 24,000 यहाँ लिखना है यार, ये दिस इज करें बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, एक मिनट मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, ये एक्चुअल ओवरहेड्स है, मल्टीप्लाई करें इसको 672, ठीक है 672,000 आ गए डन। अब एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कितने मेरे पास, कितने मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स, हाँ जी एक्चुअल ओवरहेड्स कितने मेरे पास। अब एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं गिवन, जब आपके सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं गिवन तो ये बात याद रहेंगे, जो आपको ये दिया हुआ 756 टोटल दिया हुआ यही हम चलाते हैं, तो अगर सवाल में नहीं दिए हुए तो एक्चुअल ओवरहेड्स उसी तरह से हम चलाएंगे, यानी 756,000 विल बी अवर एक्चुअल ओवरहेड्स, 756,000 को मैं यहां से माइनस कर लूंगा बेटा, यानी ये मेरे एक्चुअली जो मैंने अमाउंट पे की होगी, यानी जो मैंने इतनी अमाउंट एक्चुअली 756,000 इज द एनुअल कॉस्ट, ये पूरे साल की कॉस्ट मैंने चार्ज की, करें माइनस क्या आता है बच्चा, करें सर एक्चुअल प्रोडक्शन तो है 30,000 यूनिट्स की, और नहीं यार एक्चुअली कहां 30,000 यूनिट्स की है मौज बेटा, 30,000 कैसे है। अब सवाल में वापस जाएं, तो वापस सवाल में जाएं यार, सवाल में फिर एक दफा वापस जाते हैं, ये देखें यार आपको क्लियर हो रहा है यहां पे बच्चे, यहां से क्लियर हो रहा है आपको, ये देखें ये लिखा हुआ है, दो बॉक्सेस आप सबको नजर आ रहे होंगे, सेकंड बॉक्स देखें, सेकंड बॉक्स के ऊपर हेडिंग क्या दी हुई, द एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द जनवरी 2004 इज, ये आपको दिया हुआ, ऊपर सवाल के स्टार्ट में जो लिखा हुआ है 30,000 यूनिट्स पर मंथ, वो बताया हुआ कि कैपेसिटी है, वो आपकी कैपेसिटी है 30,000 आप बना सकते हैं, ये कैपेसिटी है बेटा। एक्चुअली आजकल आप कितने घंटे स्टडी करते हैं, एक्चुअली हो सकता है आप आजकल 5-6 घंटे स्टडी करते होंगे, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी 24 घंटे की भी होगी, 24 घंटे भी आप पढ़ सकते होंगे, लेकिन पढ़ते कितने एक्चुअली कितना पढ़ते हैं 3-4 घंटे, तो ये क्या है एक्चुअल, वो 30,000 की आपको कैपेसिटी बताएगी, एक्चुअली आप जो बना रहे हैं वो 24,000 है, फाइन डन ठीक हो गया। माइनस क्या क्या आया मेरे पास 84,000 नेगेटिव आ रहा है, तो ये अंडर एब्जॉर्ब है, तो मैंने बताया था अंडर एब्जॉर्ब होगा, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, अगर प्रॉफिट में चला रहा है अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में जाके माइनस कर लें, कॉस्ट में करना है तो कॉस्ट में जाके इसको ऐड कर लें, तो इस आप जैसे आपने करना है इसको, तो ये जो मैंने सारी वर्किंग की है 84,000 इज व्हाट, ये मैंने वर्किंग की है 84,000 मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब है, नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। लेंगे ये सवाल आपके पास 84,000 आ गया, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, 84,000 को सिंपल हम इसमें ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट के अंदर ऐड कराते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कराते हैं, कोई इशू नहीं आपको, हाँ जी अंडर एब्जॉर्ब, चलो ये 84,000 इसमें कर लिया ऐड, डन हो गया। लेंगे करें जरा ये पूरा सवाल, इसको कॉस्ट सेल निकालें, ओपनिंग स्टॉक लें प्लस प्रोडक्शन लें, क्लोजिंग स्टॉक को अब यहां से माइनस कराएं, अंडर एब्जॉर्ब यहां ऐड करें, इन चारों को करें वर्किंग क्या आती फिगर, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग प्लस अंडर एब्जॉर्ब, क्या वैल्यू आ रही जल्दी 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 जरा भरिए भरिए भरिए, सब लोग इसको देखें, सब लोग करें ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग आपके सामने है यार, सब लोग एकदम फिगर मुझे ये फिगर में डाउट लग रहा है 3220 ये ठीक लग रही है, बाकी सब लोग भी कंफर्म करें क्या है 3220 ठीक है, थ्री टू टू थाउजेंड ठीक है,
रेंज 3220 और ये 1000 में आ गया। माइनस कर ले इसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, जल्दी बताएं मुझे कितना ग्रॉस प्रॉफिट, जल्दी जल्दी जल्दी, टेक ए स्पीड, जल्दी बेटा। हाँ जी, सेल में से हमने ओपनिंग स्टॉक लिया प्लस प्रोडक्शन लिया माइनस, अब इसमें भी यही था कि ओपनिंग स्टॉक को मैंने किस कॉस्ट से वैल्यू किया, हमने मैंने पिछले साल की जो कॉस्ट निकाली 138 उस पे वैल्यू किया, और क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया 143 पे, यानी इस मंथ में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो मैंने इसको अब्सॉर्ब करवाई है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने ज्यादा लिया यहां पे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरे पास 2280,000, ठीक है 2280,000, यहां से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट माइनस कर दें, प्रोडक्शन की कॉस्ट हम अब्सॉर्ब करवा चुके हैं, सेलिंग ही रहता है तो सेलिंग की, अच्छा सेलिंग की दो तरह की कॉस्ट थी, फाइन, एक वेरिएबल कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, सवाल पे जाते हैं, जी सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हमारे पास, सेलिंग 25 दी हुई, ठीक है 25 को मल्टीप्लाई कर ले हम यहाँ पे, सेलिंग के यूनिट्स कितने थे 22,000 के साथ, और 1504 हमें फिक्स दी हुई है, ठीक है दो चीजें आ गई सेलिंग की, एक तो सीधा सीधा मैं यहां पे यूं कर लेता हूं, चले 504, एक तो ये सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट ये माइनस कर दें, और एक आप क्या करें 25 को मल्टीप्लाई कर लें 22,000 के साथ, उसको भी माइनस कर दें, पच्चीस को 550 आ गया, ठीक है 550,000, लेकिन सबको माइनस कर, नेट प्रॉफिट क्या निकला, हरिए भरिए भरिए, नेट प्रॉफिट क्या निकला जनाब 1226,000, दैट विल बी अवर आंसर, 1226,000 दैट इज अवर आंसर, डन हो गए, यही आंसर है बेटा। लेकिन हमने अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग थ्रू भी कर ली, मार्जिन कॉस्टिंग थ्रू भी कर ली, अच्छा यहां तक मुझे मसला है, बल ये क्वेश्चन क्लियर कर लें, किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा, सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर होती तो तभी भी हमें जो अंडर ओवर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट हम हमेशा ही करेंगे बेशक हमारे पास आंसर जीरो ही निकले, बेशक आंसर जीरो आए हम फिर भी अंडर ओवर की, अंडर ओवर की अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम अंडर ओवर की एडजस्टमेंट हमेशा करते हैं, बेशक आंसर जीरो आ रहा हो बेशक उसका इफेक्ट जीरो ही हो लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ये बच्चे ने कहा सर ये फिक्स प्रोडक्शन को नहीं लिखा, ये फिक्स प्रोडक्शन बेटा हमने अब्सॉर्ब करवा दिया ना शुरू में, एक बच्चा कह रहा है कि फिक्स आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट क्यों नहीं लिखी, देख रहे हमने हमने पढ़ा क्या अभी तक अब्सॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग क्या पढ़ा, ये तो पढ़ा हमने कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है फिक्स कॉस्ट को हम अब्सॉर्ब करवा दें, ये देखें तो ये क्या किया हमने यहां पे, ये जितनी भी फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास प्रोडक्शन की उसका 28 का रेट निकाला, वो 28 यहां शामिल किया, वो 138 बन गया, 138 को हमने क्या किया यहां यहां हमने इंक्लूड करवा दिया, तो वो हमारे हर एक यूनिट्स के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई हर एक के अंदर, प्रोडक्शन की जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी हम ओआर एक रेट बना के यूनिट्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं, यही तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और प्रोडक्शन के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फिक्स कॉस्ट एंड पे जाके माइनस कर देते हैं। हाँ जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, हाँ सुभान बेटा बात समझ आ गई आपको, अच्छा तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1226,000 का, नहीं ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया 1226,000 का, ये है मेरे पास अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट 1226,000 का, ये अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट आ गया। नहीं जब आपने रिकनसाइल करना है, अब आप खुद वर्किंग करेंगे, पहले मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं, अब आपने इसमें एडजस्टमेंट करके बतानी मुझे कि यार मार्जिनल का प्रॉफिट कितना था हमारे पास, मार्जिनल का कहां था, ये था ये मार्जिनल का प्रॉफिट आपके पास 1170,000 का मार्जिनल का प्रॉफिट है, तो ये आना चाहिए हमारे पास
11700000, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा हो भी जाए, 11700000 ये आना चाहिए हमारे पास, 11700000 चाहिए। तो जी क्या एडजस्टमेंट हम इसके अंदर करें कि हमारे पास ये मार्जिन का प्रॉफिट आ जाए, यानी मार्जिन का प्रॉफिट और अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट, किसी एक का प्रॉफिट गिवन है दूसरे का फाइंड करना, रिकनसाइल करना। लेकिन सोचिए जरा, मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई नहीं, जरा खुद से पहले ट्राई करें फिर मैं करूंगा। बच्चा कहते क्वेश्चन शो कर लीजिए, आप क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी बेटा, ट्राई करें सब लोग। एक बच्चा कह रहा है उसने कर लीजिए ना, डन। लीजिए मैं करता हूँ इसमें,
क्या कहा था हमने, बेसिकली हम क्या लेते, हम लेते थे चेंज इन स्टॉक, कि स्टॉक में चेंज कितना आया, इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल। ये चेंज इन स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 4, ओपनिंग स्टॉक 2000, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 4000, तो स्टॉक में चेंज 2000 का था, इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमने कितनी निकाली, तो ओएआर कितना निकाला था हमने, 28 का निकाला था, 28 को मल्टीप्लाई कर दे कितना आ रहा है 56,000। अच्छा स्टॉक इंक्रीज करा डिक्रीज करा था, स्टॉक इंक्रीज करा था, जब भी स्टॉक इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होता है, जब एब्जॉर्प्शन का हाई है तो इतनी अमाउंट से हाई होगा, तो ये अमाउंट आप एब्जॉर्प्शन में से माइनस कर दें तो मार्जिनल आ जाएगा मेरे पास, इस तरह से हो जाएगा बेटा मेरे पास, फाइन। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं लिखता हूं यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, बेटा कितना प्रॉफिट है मेरे पास, जितना भी प्रॉफिट आई थिंक 226,000, ठीक है ये आ गया। यहां लेता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक हो गया, इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिर मैं लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक, इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ओपनिंग वाले को ऐड करना है, क्लोजिंग को आपने माइनस करना है, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी मेरे पास यहां पे। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है, मार्जिन निकालना है, तो इसी तरह से हम यहां पे क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन गिवन है तो ठीक है, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट की फिगर यहां पर आ जाएगी हमारे पास, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो अगर आप लाइक क्या करता हूं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना था 2000 का था, क्लोजिंग स्टॉक कितना 4000 का है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी मेरे पास 28 लेकिन ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहां पुट कर लें, ये 56,000 बेटा आई थिंक सो, ये इसमें ऐड कर लें, ये आई थिंक 112,000, ये यहां से माइनस कर लें। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर भी आपके पास एग्जैक्ट वही आंसर 1170,000 ये भी आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो फाइन। या यूं कर लें जैसे मैंने पहले किया है कि इसका डिफरेंस लेने था, ये ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 28 से ही होना है, चेंज इन स्टॉक उठाए उसको मल्टीप्लाई, ओपनिंग क्लोजिंग में कितना चेंज आया उसको मल्टीप्लाई करें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो इतनी अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। अब बाद में खुद चेक कर लें कि स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन गिवन है ये अमाउंट माइनस करें मार्जिन निकलाएगा, अगर मार्जिनल गिवन है ये अमाउंट एड करें एब्जॉर्प्शन निकलाएगा, तो वो अमाउंट का डिफरेंस यहां पर हमें क्लियर हो जाएगा। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, कोई मसला यहां तक, इट इज डन, नहीं मेरा ख्याल काफी आज के लिए। अच्छा मैंने यार आपका टेस्ट अनाउंस करना था, टेस्ट में चालू था, आपके टेस्ट भी शुरू कर दूं, चैप्टर नंबर 1 से मैंने आपको टेस्ट लेने, अब आप दिन बता देंगे, कुछ टाइम बता दें, टाइम आपको वो सेट कर दिया जाएगा, हमारा टेस्ट का एक फिक्स सिस्टम है, आपका ऑनलाइन टेस्ट वो एक डाउनलोड होगा 4-5 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा, आप उसमें लेके सबमिट करा के कर लेंगे खुद ही, वो आपको हो जाएगा सैटरडे को, क्यों जी सैटरडे को आप एक टेस्ट ले लिया जाए। चलो मैं आपको कल कंफर्म करूंगा इसमें, मैं अमेंडमेंट्स भी उधर डिस्कस कर लूं, टेस्ट बने बने आपके, वो बस आपको कंडक्ट करवाने किसी तरीके से ऑनलाइन बच्चे को कराने कैसे, बस ये थोड़ा सा है, वो हमारा सिस्टम है, वो आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, वो आपके पास अवेलेबल हुआ करेगा, अब उसको सॉल्व करके उसको बेशक स्कैन करके पिक्चर लगा दे कुछ कर दे, बर वो मैनेजमेंट आपसे डिस्कशन कर लेगी, आपको बता दूंगा। तो बर आपके माइंड में हो कि हमारी ये 4 चैप्टर खत्म हुए, अब आपने इसके टेस्ट भी देने हैं, मैंने 5th चैप्टर अभी स्टार्ट करना था, लेकिन खैर ले आई थिंक फॉर टूडे दिस इज सफिशियंट, आज के लिए ये बड़े काफी है, टेस्ट का हम प्लान भी कर लेंगे, टेस्ट बना लेंगे हम, उसमें प्लान आउट कर लेंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम टेस्ट चला भी देंगे। इस चैप्टर में कोई इशू आई थिंक कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट चैप्टर, ये जो 4.5, हाँ जी बेटा सर 4.5 और 4.6, ये 4.5 और 4.6 ये आपने खुद ट्राई करना है, आप ये हो जाएंगे आई थिंक सो, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। चलो ठीक है, आसान ही सवाल है, 4.5 ये कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है वही एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग यूज करते हुए, और 6 में भी सर वो इधर है ना, एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं,
अगर जो उनसे है वो स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का जो जो है ओवर अप्लाई नहीं बेटा, ओवर अप्लाई नहीं, ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि हम अगर हमारे पास स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो स्टॉक के अंदर हमारे पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जब स्टॉक इंक्रीज करता है तो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल में से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस होता है तो क्लोजिंग कॉस्ट सेल कम हो जाता है, सेल में से कम वाला कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो बल आपने वाली ये बात याद रखनी है, जब भी स्टॉक इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करेंगे, आसानी से हो जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। ये 4.6 ऐसे ही जैसे 4.1 मैंने आपको कराया था, ये दूसरी तरह की सवाल है। पास्ट पेपर्स में मैं डिस्कस करूंगा, तो रिसेंटली कोई सवाल मुझे इसमें आया नहीं, हमारे स्टडी टेक्स्ट में भी यही है, इसी के दो चीजें सवाल आए थे, तो कर लूंगा आपको, अगर मैं देखूंगा उसमें कोई नई चीज मिलती तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। सर सर कल बार हो जाएगा यार, क्या टेंशन है सर, कल डिस्कशन रख लें ताकि जो है पैक के जो है पास पेपर वो भी कर लें। मैं देख लेता हूँ उसमें कोई नई चीज अगर मिलती है जो ये सवाल कवर नहीं करते, अगर कोई ऐसी चीज मुझे मिलती है तो मैं जरूर आपको करवाऊंगा, सॉल्व जरूर करवाऊंगा। फाइन, मैं देखा था, मैं काफी चीजें देख रहा था, सवाल ऐसी है, ये जो आपको अभी मैं एक सवाल करा दिया, जो मैंने तीन सवाल इसी वैरायटी के बाकी सवाल हो जाएंगे, अगर मैं फिर भी देखूंगा एक दफा फिर चेक करूंगा कि पास पेपर के अंदर कोई ऐसा सवाल जो इन चीजों में इनके अंदर कवर ना हो रहा हो, मैन वी विल डू दैट, नो इश्यू, करवा दूंगा आपको। फाइन लेंगी आप, आज के लिए आई थिंक काफी है, इंशाल्लाह एंड स्टार्ट टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो आज की डिस्कशन हमारी काफी होगी इसके ऊपर, मैं पास पेपर को देखूंगा, अगर कोई नई चीज मुझे मिली जो कवर नहीं हुई, That I will must do in the class. वो बेफिक्र हैं आप, वो मैं जरूर करवाऊंगा। लेकिन आप थैंक यू वेरी मच फॉर टूडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो।